Hello students, welcome to our channel eGurukul. Today we will learn about object oriented programming. So first of all, we should know what is object oriented programming. It is basically one of the most popular paradigm for writing computer program. So, computer program kya hota hai? As we know, program is basically a set of sentences which we given to the computer to do a specific task. ठीक है, तो ये जो हम programming कर रहे हैं, generally we can use either high level language or low level language for programming. तो जो low level language होता है वो that is also known as machine level language. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 0-1 से coding करते हैं. तो and obviously 0-1 से coding करना it is difficult for the user, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारा चीज याद करना पड़ता है जो कि पॉसिबल नहीं होता. सो दैट्स व्हाई जनरली वी यूज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पैराडाइम फॉर प्रोग्रामिंग. एंड एज द नेम सजेस्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब यहाँ पे जो मेन फोकस है वो है ऑब्जेक्ट के ऊपर. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज बेसिकली बेस्ड ऑन object and classes. So now what is object? Object is basically collection of data and function. ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो हम सबसे पहले क्लास बनाते हैं एंड फिर उस क्लास का हम ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ दैट ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग करना पड़ता है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग छोड़ के जो अनदर पॉपुलर कन्वेंशनल पैराडाइम है दैट इज द प्रोसीज्यूरल प्रोग्रामिंग. ठीक है, प्रोसीज्यूरल प्रोग्रामिंग में क्या होता है, इस पे कंसेंट्रेशन जो है दैट इज मेन ऑन प्रोसीजर और फंक्शंस. ठीक है ना, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जो मेन फोकस ऑफ कंसेंट्रेशन रहता है दैट इज डेटा, वेयर एज प्रोसीज्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेन फोकस रहता है प्रोसीजर या फंक्शन या एल्गोरिदम के ऊपर. Now let us see the difference between procedural oriented programming and object oriented programming. जैसे हम यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ डेटा है which we have written as global data. Global data मतलब ये basically globally defined है, so anyone can access the data. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ functions है. ठीक है, तो ये जो function है all of the function can access this global data. There are some local data as well. तो local data जो होता है जिस function का local है सिर्फ वही access कर सकता है. जैसे function one में हम local data लिखे हैं, तो ये जो local data है this can be accessed only by function one. Function two और function three cannot access this local data. Similar, ये local data can be accessed only by function two. Function one या three इसको access नहीं कर पाएगा. But जो global data है that can be accessed by all the functions as we can see. ठीक है, तो जैसे मैं बताई थी procedural oriented है programming, मतलब procedure और function और algorithm इसके ऊपर main concentration है. ठीक है ना, यहाँ पे data को ज्यादा importance नहीं दिया जाता, main importance is given to the functions. Whereas जो हमारा object oriented programming है यहाँ पे देखो unlike this, यहाँ पे हम क्या करते हैं डेटा और फंक्शन को एक यूनिट के अंदर रखते हैं एंड दिस इज बेसिकली कॉल्ड द क्लास. ठीक है ना, तो ये क्लास के अंदर डेटा और फंक्शन दोनों ही हैं. अब ये जो डेटा है ये डेटा को हम बाहर से डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, अनलाइक दिस ग्लोबल डेटा जो कि कहीं से भी एक्सेस हो जाता है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो डेटा है उसको एक्सेस करने के लिए ये फंक्शन के थ्रू हमें एक्सेस करना पड़ेगा, ये डायरेक्टली डेटा को हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे. ठीक है, इसका एग्जांपल हम देखेंगे आगे चल के. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द कंपैरिजन बिटवीन प्रोसीज्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. तो जैसे अभी हम डायग्राम में देखें जो प्रोसीज्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है इट फॉलोज द टॉप डाउन अप्रोच, वेयर एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलोज बॉटम अप अप्रोच. ठीक है, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि पीओपी में मेन फोकस किसके ऊपर रहता है, फंक्शन के ऊपर रहता है,
मतलब हाउ टू डू द टास्क, दैट इज द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग. डेटा इम्पॉर्टेंट नहीं होता. इन कंट्रास्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मेन फोकस इज ऑन डेटा सिक्योरिटी. तो जैसे मैं बताई थी यहाँ पे कि जो डेटा है, इस डेटा को हम बाहर से डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाएंगे, इसको फंक्शन के थ्रू एक्सेस करना पड़ता है. लेकिन पीओपी में जो ग्लोबल डेटा है उसको फंक्शन के, देखो उसको कोई भी फंक्शन एक्सेस कर लेता है, ठीक है, मतलब इट इज एक्सेसिबल एनीवेयर. तो यहाँ पे डेटा सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा सिक्योर रहता है. एंड देन पीओपी क्या होता है, पीओपी में जो लार्ज प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू फंक्शंस. एक बहुत बड़ा जो प्रोग्राम रहेगा उसको हम क्या करेंगे, छोटे छोटे फंक्शन में या मॉड्यूल में डिवाइड कर लेंगे, एंड उसके बाद सब फंक्शन को हम कॉल करते हैं. इसका एक एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे. और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होल प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट, and with the help of the object we call the functions. In case of procedural oriented programming, there is no concept of access specifier. ठीक है, तो जो data होता है, जो जो global data होता है, they are accessible anywhere. और जो local data होता है तो वो सिर्फ अपने block के अंदर accessible होता है. Whereas object oriented programming में there are concept of access specifier called public, private and protected. तो जैसे मैं बताई थी यहाँ पे कि ये जो डेटा प्राइवेट हो जाएगा ना, जब आप इस डेटा को अगर हम प्राइवेट डिक्लेयर करेंगे तो इसको हम बाहर से एक्सेस नहीं कर पाएंगे, इट विल गिव अस टोटल सिक्योरिटी. ठीक है, नेक्स्ट, पीओपी में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, वेयर एज ओओपी में इनहेरिटेंस कर सकते हैं हम. डेटा शेयरिंग जो है, जैसे मैं बताई हूँ कि ग्लोबल डेटा इज कैन बी शेयर्ड थ्रू आउट द प्रोग्राम, वेयर एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो प्राइवेट डेटा है उसको हम बाहर से कभी भी एक्सेस या शेयर नहीं कर सकते हैं, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेंबर फंक्शन. सी, विजुअल बेसिक, फोर्ट्रान, पास्कल आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वेयर एज सी प्लस प्लस, जावा, VB.NET are some of the example of object-oriented programming. ठीक है, तो ये this is an important topic कि what is the difference between procedural-oriented programming and object-oriented programming. So you can pause the video and write down the notes. Next, let us see the structure of a procedural-oriented program and a object and an object-oriented program. ठीक है, तो सिंस हमें जावा पढ़ना है इसलिए ओओपी में वी हैव कंसीडर्ड एन एग्जांपल ऑफ जावा प्रोग्राम. तो जैसे मैं बताई थी जो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर, इसमें कुछ ग्लोबल डेटा रहता है, ठीक है, और यहाँ पे एक हम मेन फंक्शन डिफाइन करते हैं. फ्रॉम दैट मेन फंक्शन हम और बाकी जितने भी फंक्शन है उनको कॉल करते हैं. ठीक है, अभी मैं बताई थी कि जो टोटल प्रोग्राम है उसको हम अलग अलग छोटे छोटे फंक्शन में डिवाइड कर लेते हैं. तो यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को तीन फंक्शन में डिवाइड कर लिए. एक्सेप्ट एक फंक्शन हम बनाए फॉर टेकिंग इनपुट, कैलकुलेट फंक्शन डेटा को प्रोसेस करेगा, डिस्प्ले फंक्शन जो जो भी आउटपुट है उसको प्रिंट करेगा. ठीक है, तो मेन फंक्शन के हम इन तीनों फंक्शन से हम इन तीनों फंक्शन को कॉल करेंगे एंड दिस फंक्शंस विल वर्क ऑन दिस ग्लोबल वेरिएबल्स. ठीक है, तो जैसे मैं हम देखे थे कि ये टॉप डाउन अप्रोच होता है. तो टॉप डाउन क्यों होता है, देखो यहाँ पे, देखो हम यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहे हैं और ये जो फंक्शन है वो नीचे डिफाइन है. ठीक है, तो ऊपर हम कॉल कर रहे हैं और उसको डिफाइन कहाँ किए, नीचे किए. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ टॉप डाउन अप्रोच. और यहाँ पे डेटा सिक्योर नहीं है क्योंकि जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको हम किसी भी फंक्शन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं. सो देयर इज अ चांसेस कि जो मतलब जो वेरिएबल है they can be accidentally or intentionally changed by some of the functions. ठीक है, तो the data are more vulnerable to attack. That's why ये secure नहीं है. और यहाँ पे main importance और main concentration जो है ये functions के ऊपर है. अब देखो जो हमारा object oriented programming है, इसमें जैसे मैं बताई थी कि इसमें class और object के ऊपर programming based है. तो कोई भी program हम बनाएंगे, हम शुरू में एक class create करेंगे. क्लास के अंदर क्या रहेगा, क्लास विल कंटेन वेरिएबल और डेटा एंड द फंक्शंस. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे
और इसके अंदर जो भी फंक्शन जैसे मैं बताई हूँ फंक्शंस को डिफाइन कर लेंगे। इसके बाद मेन फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, यस वी विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट मेन थिंग है यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे जो ये वेरिएबल्स है, इस वेरिएबल्स को अगर हम यहाँ पे प्राइवेट डिफाइन कर देंगे तो इसको हम बाहर डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ये फंक्शन के थ्रू हमें एक्सेस करना है, और इन फंक्शन को हम कैसे एक्सेस करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, बॉटम अप। बॉटम अप क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मेन फंक्शन जो है वो एकदम एंड में है, और मेन फंक्शन क्या होता है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा, और मेन फंक्शन से हम बाकी फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं थ्रू ऑब्जेक्ट, तो इसीलिए यहाँ पे कॉल बॉटम से हो रहा है, और जब कॉल होगा तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि फंक्शन को हम ऊपर डिफाइन किया है, दैट्स वाई इसको हम कहते हैं बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। और यहाँ पे जो क्लास और ऑब्जेक्ट बेस्ड होता है जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक, और ये जो वेरिएबल्स है इसको जब हम प्राइवेट डिक्लेयर कर देंगे तो इसको हम क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर पाएंगे, सो इट प्रोवाइड्स अ टोटल सिक्योरिटी, डेटा यहाँ पे सिक्योर रहता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम इन जावा। देखो हम यहाँ पे भी इसका डिफरेंस देख सकते हैं, जैसे प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्राम है, तो अगर मान लो एक कस्टमर है जो कि बैंक जाता है, ठीक है, तो बैंक में यहाँ पे मेन तीन फंक्शन हो जाएगा, बैंक से पैसा विदड्रॉ कर सकता है, बैंक में पैसा डिपॉजिट कर सकता है, या तो ट्रांसफर कर सकता है। तो यहाँ पे तीन फंक्शन होगा जिन मेन से हम इन तीन फंक्शन को कॉल करेंगे इन केस ऑफ प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। वेयर एज इसी मॉडल को जब हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है तो हम क्या करेंगे, देखो हम एक क्लास बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है, तो क्लास का नाम होगा मान लो बैंक अकाउंट। अब उस क्लास में क्या होगा, द क्लास विल कंटेन सम वेरिएबल्स एंड मेथड। अब वेरिएबल में क्या रहेगा, बैंक अकाउंट का जो नंबर है, फिर बैंक अकाउंट का जो टाइप है, मतलब सेविंग अकाउंट है कि किस टाइप का अकाउंट है वो रहेगा, और अकाउंट नंबर रहेगा, ठीक है। एंड दिस क्लास विल ऑल्सो कंटेन द मेथड्स, जो ये जो काम कर रहा है कस्टमर, मतलब मनी विदड्रॉ करना, डिपॉजिट करना और अकाउंट स्टेटमेंट प्रिंट करना, तो ये जो मेथड है, सो ऑल द वेरिएबल्स एंड द मेथड विल बी डिक्लेयर्ड विद इन द क्लास बैंक अकाउंट। फिर जब हम क्या करेंगे, मेन में जैसे अभी मैं एग्जांपल बताई थी यहाँ पे, ठीक है ना, मेन फंक्शन बनाएंगे, मेन में बैंक अकाउंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, एंड उस ऑब्जेक्ट के थ्रू ये जो तीन फंक्शन है, ठीक है, अमाउंट विदड्रॉ, अमाउंट डिपॉजिट और अकाउंट क्लोजर, इनको कॉल करेंगे। सो इन दिस वे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वर्क्स। नाउ लेट अस सी द फीचर्स ऑफ ऊप्स। सो दीज आर बेसिकली द फीचर्स लाइक क्लास, ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड एब्स्ट्रैक्शन। सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट दिस फीचर्स इन डिटेल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डाउट, and do share and subscribe our channel. Thank you.